हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्विपोइस क्लासेस। आई एम सुरभि और प्रेजेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी तक मैं कौन से टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो हमने देखा मेरी लास्ट वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख कर आओ, लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आपने उस वीडियो में देखा होगा कि हमने बहुत अच्छे से ये जानने की कोशिश की कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्या ऐसा है कि बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम लोग एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी चीज़ प्रॉब्लम्स के बिना तो नहीं आती। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो हमने ना कुछ कैटेगराइज किए हैं प्रॉब्लम्स एक तरीके से, कि कुछ होती हैं जनरल प्रॉब्लम्स, फिर होंगी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, फिर होंगी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। और ये सारी प्रॉब्लम्स के डिटेल या इसके अंदर आपको, अगर आप उस माइंडसेट से सोच रहे हैं, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और आप उस माइंडसेट से सोच रहे हैं कि आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी उसके लिए, लेकिन मैं आपको ब्रॉड में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉब्लम्स जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हर प्रॉब्लम का अपना एक मतलब क्या है। अगर आप अभी इतना समझ जाएंगे तो फिर जब आप बुक खोल के इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ईजीली समझ आने लगेगा। तो हम अपना पहले सेट की बात करते हैं, जनरल प्रॉब्लम्स। जनरल प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है? सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? जैसे फार्मर्स हैं ना, आज भी इंडियन एग्रीकल्चर में, या आप जाएंगे कहीं भी, कहीं रूरल एरिया में जाएंगे, वहाँ आप किसी फार्मर से मिलेंगे तो अभी भी ना वो सुपरस्टिशियस हैं और कुछ कंजर्वेटिव हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है? दे आर नॉट वेरी ओपन टू न्यू थिंग्स, या अपने लैंड को नए तरीके से नई चीज़ों के लिए देना ऐसा नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अपने पुराने उस सेट ऑफ माइंड, या जो वो तरीके यूज़ कर रहे थे उन तरीकों से बाहर निकल के कुछ नया तरीका यूज़ करने के लिए। दे आर नॉट वेरी ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग। तो क्या होता है, इस वजह से जो आपकी सोशल एनवायरनमेंट ओवरऑल है, जो आपका सोसाइटी चलती आ रही है, कुछ सुपरस्टिशन है कि महीने में इस टाइम पे ये नहीं करना, तो अगर वो आपके लैंड के लिए, आपकी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल भी हो, पर क्योंकि सोसाइटी में बोला जाता है कि ऐसा नहीं करना तो नहीं होगा। तो ये माइंडसेट उनका अभी भी चल रहा है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट है ना, ये एक तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर या उसकी ग्रोथ को लेकर। फिर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। पॉपुलेशन बहुत वास्टली एक्सपैंड कर रही है, हम लोगों को ये पता ही है। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, आपका लैंड साइज ना उन लोगों का इतना ही है। अब अगर लैंड इतना ही है, पहले यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी होगी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, इतनी ज़रूरत नहीं है या इतने लोगों को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जितनी पॉपुलेशन आ रही है। तो वो चीज़ ना एग्रीकल्चर ग्रोथ को हैम्पर करती है। क्यों? क्योंकि ये सारी पॉपुलेशन अगर कहीं और लगती तो वहाँ भी बेटर परफॉर्म करती, और यहाँ लिमिटेड पॉपुलेशन होती जो होती उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो हर इंसान की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ जा रहा है, लैंड पे जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर हमारी प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन। क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन का इशू क्या है, या यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? जब आप कोई ना क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, अब आपने उस क्रॉप को पहले वहाँ पे सो किया, फिर आपने उसको निकाल लिया वहाँ से, तो आपने ना लैंड को टाइम नहीं दिया दोबारा उसकी फर्टिलिटी वापस आने का। और क्योंकि वो एक जल्दबाजी है या एक साइकिल है, या आप ऐसे ही काम करते आए हैं, तो आपने वहाँ दूसरी बार दोबारा क्रॉप लगा दी, जबकि लैंड को एक अपना टाइम चाहिए होता है वो फर्टिलिटी को वापस से ट्रैक पे लाने का, थोड़ा लैंड को अपना बेटर होने का। लेकिन क्योंकि हम सेम लैंड को बार 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 बिना उसकी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश किए, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार जो क्रॉप्स लगा रहे हैं उससे क्रॉप्स पे तो असर पड़ ही रहा है, हमारा लैंड भी ख़राब होता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। और फिर लैंड डिग्रेडेशन होगी, फिर आपकी ये क्या है, साइकिल हो जाएगी कि लैंड डिग्रेडेशन होगी, LD यहाँ पे, इससे आपकी क्रॉप हैम्पर होगी, क्रॉप हैम्पर होगी और लैंड डिग्रेडेशन होगी, और ये आप यहीं फंस जाओगे एक ट्रैप में। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन की। देन सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि ना फार्मर्स जो भी ग्रो करते हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी सस्टेनेंस के लिए करते हैं, मार्केट में सेल करने के मोटिव से नहीं करते।
तो जब तक वो थोड़ा कमर्शलाइज नहीं करेंगे तब तक उनके पास वो इंसेंटिव नहीं होगा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक लैंड है और आप उस लैंड पे सिर्फ अपने सस्टेनेंस के लिए जितना क्रॉप चाहिए उतना उगा रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी खुद की नीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों आएगी? तब आएगी जब आपके पास इंसेंटिव होगा कि आप क्रॉप नंबर ऑफ जो आप क्रॉप्स हैं वो और बढ़ाओ वहाँ पे, और ग्रो करो और उसको सेल करके और पैसा कमाओ। इंसेंटिव होगा आपके पास अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, जो यहाँ नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी सेल्फ सस्टेनेंस के लिए फार्मिंग हो रही है। आज भी ये माइंडसेट चल रहा है और ये चीज़ नहीं चेंज हो पाई है, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम में आती है। देन क्रॉप लॉसेस। क्रॉप लॉसेस में क्या हो रहा है? आपका अनटाइमली रेन, ड्रॉट, फ्लड या पेस्टिसाइड या वीड या कुछ भी दिक्कत की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे आपका ओवरऑल ना क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं, क्रॉप डैमेज हो रहे हैं, डिजीज़ आ रही है क्रॉप में। तो जो आपका क्रॉप आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट आपका नहीं आ पा रहा है, ये एक तरह की प्रॉब्लम चल रही है एग्रीकल्चर में। तो ये आपकी आएगी जनरल प्रॉब्लम में, हम इसको कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स में सबसे पहला हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन मतलब जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं या जो कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है किसी और ग्रुप की तरफ से। जैसे डिफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म जब आप देखेंगे या लैंड रिफॉर्म, क्या हो रहा है कि एक सर्टेन सेट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उस पर एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगी जहाँ पे हम समझेंगे लैंड रिफॉर्म किस टाइप के थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। बट अभी के लिए लैंड रिफॉर्म या टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या है कि लैंड ओनरशिप किसकी होगी, कौन लैंड पे कितना टाइम काम करेगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और जब वो उस पे काम कर रहे हैं तो ओनरशिप किसकी होगी, ये सारी चीज़ें आती हैं लैंड रिफॉर्म और टेनेंसी रिफॉर्म में। तो यही डिफेक्टिव थे, इम्प्लीमेंटेशन पुअर थी। तो लैंड रिफॉर्म जो हुए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो क्या होता है, क्योंकि वो उसको उस वो एक डिटेल टॉपिक है जो हम यहाँ नहीं कवर कर सकते। पर जब हम ये देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म हुए थे जो, वो ही डिफेक्टिव थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी, तो ये किसकी तरफ से प्रॉब्लम थी? ये फार्मर की प्रॉब्लम नहीं थी ना, ये फार्मर्स को इंस्टीट्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हुई, द वे थिंग्स वर एडमिनिस्टर्ड, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, इसलिए ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम के अंदर आता है। तो ये सब ना वहाँ पे डिफेक्टिव था, रिफॉर्म्स प्रॉपर नहीं थे, आपको पता नहीं था कि लैंड ओनरशिप जो है, अगर कल्टीवेटर है और लैंड ओनर है तो एक कल्टीवेटर वहाँ पे अगर काम कर रहा है तो उसका कितना शेयर है, बहुत चीज़ों में बहुत डिफेक्ट्स थे, और इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम थी और कुछ हद तक आज भी है। ऐसे ही लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। अब क्या होता है, एक फार्मर को ग्रो करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी पड़ती है कि एग्रीकल्चर में वो क्या कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं और ज़्यादा, या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उनको पैसे चाहिए हर चीज़ के लिए, और वो पैसा उन्हें पूरा प्लान करना पड़ता है। बट उनको क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, तो ये फार्मर्स का फॉल्ट नहीं है, फार्मर्स इस प्रॉब्लम की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं प्लान कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? बैंकिंग साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, या जो भी दिक्कतें हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है ये, उस वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, पहली बात आपको उधार नहीं मिल रहा, तो जो आपको प्रोड्यूस करना है उसमें जो आपको इनपुट्स लगाने हैं उनको खरीदने के लिए आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, जैसे तैसे अगर आपने वो कर भी लिया तो उसको आपको आउटपुट को अगर दूसरी मार्केट में बेचना है या कहीं और सेल करना है तो आपको मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो इस वजह से फार्मर्स अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं कर पाते एग्रीकल्चर में, ये एक प्रॉब्लम। उसके बाद साइज़ ऑफ होल्डिंग। साइज़ ऑफ होल्डिंग में क्या इशू है आपका? साइज़ ऑफ होल्डिंग ना, आज भी हमने ये भी देखा था लास्ट वीडियो में कि 3/4 ऑफ द लैंड साइज इज़ लाइक स्मॉल होल्डिंग्स। तो क्या दिक्कत हो रही है आपका ना, स्मॉल होल्डिंग है यहाँ पे, साइज़ जो है आपके लैंड का छोटा है। तो अगर आपका, आप यहाँ पे दो केस लो, एक यहाँ छोटा लैंड है और एक यहाँ बड़ा लैंड है, तो बड़े लैंड पे ऑब्वियसली आप क्रॉप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो और आप चाहो तो आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। यहाँ क्या है, एक छोटे लैंड पे आपको अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी करनी है, उसके अलावा फिर अगर आपको कमर्शलाइज करना है, एक छोटे लैंड पे कितना पॉसिबल है? पॉसिबिलिटीज़ कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, उस वजह से आउटपुट हैम्पर होता है। इन शॉर्ट सारा मैटर ये है यहाँ पे। तो ये आपका साइज ऑफ लैंड होल्डिंग भी एक तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि साइज ऑफ होल्डिंग इज स्मॉल, राइट? देन हम आते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स पे।
टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, हम ऑब्सोलीट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्सोलीट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि यूज़ ऑफ जो भी आपका न्यू सीड्स हैं या फिर आपका फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स या जितना आपको ज़रूरत है करने की, वैसा नहीं हो रहा. आज भी वो वुडन प्लो और वो सारी चीज़ें हैं जो बुलक कार्ट्स हैं और वो सारी चीज़ों से फार्मिंग होने की कोशिश होती है, तो वो उस चीज़ में क्या होता है, ह्यूमन लेबर और आपका टाइम एंड एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है. और क्यों वो उतना एफर्ट नहीं होता ह्यूमन लेबर में, क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं. आज भी कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, आपके पास एक किसान गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके अंदर उतना न्यूट्रिशन और उतना पावर नहीं है कि वो इतना लेबर दिखा पाए, इतना काम कर पाए मेहनत वाला, और पुरानी चीज़ों से ही फार्मिंग होने की कोशिश हो रही है. नई जो टेक्निक्स हैं, जो सीड्स हैं, जो वैरायटी हैं चीज़ों की, वो यूज़ नहीं हो रही, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स. और वो भी क्यों नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो यूज़ नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम है अवेयरनेस. एक तो उन्हें पता नहीं होता, और अगर पता भी है तो वो अफोर्ड करने के उनके पास पैसे नहीं होते. क्यों नहीं होते, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम की वजह से. तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम भी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम की वजह से क्रॉप हो रही है, ये दिक्कत हो रही है. उसके बाद लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. आज भी एग्रीकल्चर में 60% रेनफॉल पे डिपेंडेंट है. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है टोटल, जहाँ पे क्रॉपिंग आपकी क्रॉप्स जहाँ से उगती हैं, तो 60% ऑफ दिस एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल और 40% ऑन इरिगेशन. इरिगेशन मतलब आपको जो दूसरे मीन से, जब आपके पास रेनफॉल या पानी की कमी होती है तो जो दूसरे तरीकों से आप पानी लाते हैं क्रॉप्स के लिए, पानी की अवेलेबिलिटी कराते हैं, वो होता है, तो वो आपके पास नहीं है जब आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है. अब एक बात बताओ, अगर आप लोग, आपको क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, बट रेनफॉल आपके हाथ में कितनी है कितनी नहीं आपके हाथ में तो नहीं है. तो ऐसा हो सकता है किसी सीज़न आपको उतनी रेनफॉल ना मिले, या कभी हो सकता है अनटाइमली रेनफॉल हो जाए, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रेनफॉल नहीं होगी तब हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, बट इरिगेशन फैसिलिटी कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर रेनफॉल नहीं हुई बाय चांस, या आपको उस सीज़न उतना पानी नहीं मिला आपकी क्रॉप्स को, तो आप इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ करें, पर वो अवेलेबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. इसलिए क्रॉप्स का आउटपुट उतना उस तरीके से नहीं आ पाता जितना आना चाहिए फार्मर्स के लिए. देन क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, एक ना साइंटिफिक तरीका होना चाहिए क्रॉप प्लान करने का, जिसमें आपका मतलब आपने अगर सोचा कि आज आप कॉटन ग्रो करोगे या कोई और क्रॉप ग्रो करोगे, तो एक साइंटिफिक वे ऑफ प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें आप सॉइल का भी ध्यान दो, क्लाइमेट का भी ध्यान दो, वाटर फैसिलिटी का भी ध्यान दो. जब आपको पता हो कि इस क्रॉप को कैसी सॉइल चाहिए, कितना आपको उस सॉइल में कितना मॉइस्चर या क्या चाहिए अपनी क्रॉप के लिए, आपको क्लाइमेट कैसा चाहिए अपनी सॉइल को ग्रो करने के लिए, अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, आपको वाटर कितना चाहिए अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ये सब एक प्लान्ड वे में होना चाहिए एक क्रॉप के लिए. एक पूरा ना साइंटिफिक प्लानिंग सिस्टम होना चाहिए, पर आज भी हमारे एग्रीकल्चर में ये क्रॉपिंग पैटर्न नहीं फॉलो होता. जो फॉलो होता है वो है ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे जो चला आ रहा है वैसे ही होगा. कि अगर वीट ग्रो कर रहे हैं तो वीट ही ग्रो होगी, फिर चाहे वो उसका सीज़न में कितना रेनफॉल आना वाला हो, या आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो नहीं हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ निग्लेक्ट होती हैं, और जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है वो ट्रेडिशनल रह जाता है. उसको आप मॉडर्नाइज नहीं करते, उसको उतना साइंटिफिक नहीं बनाते कि आप प्लानिंग के साथ कि क्या सॉइल टेक्सचर होना चाहिए, या क्या आपका ओवरऑल वाटर क्लाइमेट ये सब होना चाहिए, ये सब प्री डिसाइडेड नहीं होता. जो फॉलो हुआ आ रहा है वही होता है. क्यों होता है वो हमने यहाँ पे देखा था कि क्या होता है, आपका सोशल एनवायरनमेंट ऐसा रहा है ना कि आप न्यू चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अडैप्टिव नहीं हो. तो क्या होता है, आप बहुत ओपन नहीं हो एक्सपेरिमेंट को या न्यूनेस को. जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, उसी वजह से ट्रेडिशनल पैटर्न अगर चल रहा है तो ट्रेडिशनल ही चल रहा है. उस वजह से क्या होता है, कहीं बार प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है, और उस वजह से जो आपका क्रॉप्स का आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट नहीं आता. आपका काम क्या है, ऑप्टिमाइज करना, इफेक्टिव आउटपुट लाना. ऑप्टिमाइज एज इन कि आप लोग जो भी क्रॉप सोच रहे हो ग्रो करना, आप उसका मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट निकाल पाओ, वो भी सारा ठीक ठीक, जिसमें खराब क्रॉप्स मिनिमम हो. लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि प्लान नहीं होता सब कुछ. एक
प्री डिसाइडेड क्रॉपिंग पैटर्न है उसी फॉलो करते रहते हैं, उस वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, क्योंकि पता है इतना एफर्ट देना है तो इतना ही देना है, इस सीजन इसको लगाना है, इस सीजन इसको निकालना है, ये पता है पहले से, तो ये चला आ रहा है, प्लानिंग करके कुछ नहीं हो रहा है। और उसी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम की वजह से आपका आउटपुट हैम्पर होता है। यानी जहाँ एक लैंड पे आप प्लान करके डाइवर्सिफाई कर सकते थे और इधर कॉटन और इधर वीट हो सकता था, वहाँ आपने ट्रेडिशनल मेथड के चलते पूरे पे वीट लगा दी, जबकि उतना वीट का आउटपुट आपका फिर भी इतना ही आया जितना पहले आता, पहले जितना ही वीट का आउटपुट रहा। अगर आप प्लान करते तो आपका सेम लैंड पे जितना वीट आ रहा था उतना वीट भी आ जाता, लेकिन प्लानिंग क्योंकि आपने स्मार्टली की थी, साइंटिफिकली की थी, बहुत सोच समझ के सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके की थी, तो आपका थोड़ा लैंड आप निकाल लेते डाइवर्सिफाई करने के लिए और कोई और क्रॉप के लिए, और इससे क्या होता, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती क्योंकि आपके अंदर उतना पोटेंशियल था। दिन में आप 2 घंटे काम करके ये कर रहे थे, तो अगर आप दिन में 4 घंटे भी काम कर लेते तो आपका आउटपुट ज़्यादा आता, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती, आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता, जो कि अब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड फॉलो हो रहे हैं। तो एक तरह से आपको ये समझ आया होगा कि सारी चीज़ें ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं, कि आपका सोशल एनवायरनमेंट है जो आपको न्यू चीज़ें लगाने नहीं दे रहा, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट नहीं करने दे रहा, और यहाँ पे न्यू चीज़ों में क्या हो रहा है, आपको क्रॉपिंग पैटर्न नहीं चेंज करने दे रहा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन नहीं चेंज करने दे रहा, क्योंकि आपका एक माइंडसेट है, क्योंकि आपकी सोशल एनवायरनमेंट ऐसी रही है। ओके, एंड देन आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और आप टेक्निक क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी है। एक होता है आपका माइंडसेट, वो फिर भी चेंज हो सकता है, बट जो इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे, कि आपको क्रेडिट ही नहीं मिल रहा। अगर आप एक बार सोच भी लो कि चलो आपको डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन आपके पास क्रेडिट या मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है उतनी, आपका जो साइज ऑफ होल्डिंग है वो स्मॉल है, आपने सोचा, फार्मर ने अपना सोशल एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज किया और उसमें थोड़े चेंजेस आए, और उस वजह से सोचा कि चलो लैंड पे अब आप थोड़ा कमर्शलाइजेशन भी करोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए प्रोड्यूस करोगे। लेकिन अगर आपने ये जनरल प्रॉब्लम थोड़ी ठीक कर भी ली अपनी साइड से, बट जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरह के इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, कि जो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम भी बन जाती हैं बाद में आके, और वो आपको ग्रो नहीं करने दे रही। तो ये एक तरह का वेब है जहाँ आप फंसे हुए हो, ट्रैप है, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप एक चेन तोड़ते हो तो वो दूसरी जगह से लिंक हो जाती है। कि अगर आप इस माइंडसेट से बाहर निकलते हो, आप सोचते हो आपको कमर्शलाइजेशन करनी है, और आप सोचते हो कि आपको न्यू चीज़ें भी अडॉप्ट करनी है, लेकिन फिर आगे जाके क्या होता है कि क्रेडिट नहीं मिल पाता, और क्रेडिट मिल भी जाए अगर एक बार, तो आपके लैंड साइज इतने स्मॉल है कि वहाँ पे आप अपने लिए करोगे, कमर्शलाइज करोगे, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। उस वजह से फिर आप न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं यूज़ कर पाते, अपने क्रॉपिंग पैटर्न भी नहीं चेंज कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी जनरल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इन सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है यहाँ पे, और ये सारी जो दिक्कतें हैं ये थी आपकी एग्रीकल्चरल यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर में। और आज की वीडियो का ये हमारा टॉपिक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कहिए, और अगर आपको इस पे भी डिटेल आंसर या डिटेल पॉइंटर्स चाहिए तो मैं वो भी अवेलेबल करा सकती हूँ, ओनली इफ़ रिक्वायर्ड। सो अगर आपको चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, एंड नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।